एक ऐसा सेठ था जिसने जिंदगी में कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कोई दान धर्म नहीं किया। इतना पैसा कि उसे खुद नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी दौलत है। सुबह 12 बजे सोकर उठता और अपने धंधे में लग जाता। वो सोचता कि भगवान मुझ पर मेहरबान है, जभी तो मेरा कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि जो कुछ भी उसके पास है वो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण है। पिछले जन्म के खाते का लेखा जोखा इस जन्म में चला आ रहा है, इस कारण वो सुख भोग रहा है। जिस दिन वो खाता बराबर हो जाएगा उस दिन सड़क पर आना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, सेठ रात को सोया तो करोड़पति था, लेकिन आधी रात को एक इतनी बड़ी सुनामी आई कि सब कुछ खत्म हो गया, बीवी बच्चों समेत सड़क पर आ गया। दो चार दिन में ऐसे हालात हो गए कि कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। बच्चों को खिलाने के लिए 10 रुपये भी नहीं थे। सड़क के किनारे माथा पीट रहा था, एक श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई। श्याम प्रेमी ने सेठ के कंधे पर जाकर हाथ रखा और कहा, सेठ जी आपके हालात किसने बनाए? सेठ ने कहा, मेरे हालात का जिम्मेवार मैं हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं किया, कभी दान धर्म नहीं किया, कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। एक वक्त था जब दुनिया मेरे आगे हाथ बांध कर सिर झुका कर खड़ी रहती थी, आज मेरे सामने सिर उठाकर आती है और मेरी दीन दशा पर हंस कर चली जाती है। लेकिन मुझको किसी से कोई सिकवा गिला नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरा करा धराया है, सब जगह से हार गया। उस श्याम प्रेमी ने कहा, सेठ जी मैं आपको एक ऐसे दरवाजे का रास्ता बताता हूं जिस दरवाजे के भीतर जो रहता है उसका नाम है हारे का बाबा श्याम। आप एक बार उस दरबार में चले जाओ, मैं गारंटी देता हूं आपको जीत मिल जाएगी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, भाई मेरे बच्चों को खिलाने के लिए 10 रुपये नहीं मेरे पास, तेरे बाबा के पास जाऊंगा कैसे? श्याम प्रेमी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, जो कुछ भी निकला सेठ को दिया। कहा, पहले बच्चों को खाना खिलाओ और उसके बाद बाबा के दरबार में जाओ, अपनी व्यथा बाबा को सुनाओ, और मैं गारंटी देता हूं कि आज तुम्हारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है। वहां से जब आओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहे होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। सेठ बाबा के दरबार में पहुंचा, 13 सीढ़ी जब मंदिर में चढ़ा, 13वीं सीढ़ी पर चढ़ने के बाद जब बाबा से नजरों से नजरें मिली, कलेजा फट गया, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, सब कुछ भूल गया कि क्या कहना है। ठाकुर का सिंहासन हिल गया, बाबा ने गले लगा लिया। कहा, हार कर आया है इसलिए हार कर नहीं जाने दूंगा, बोल तेरी व्यथा क्या है। और सेठ ने बाबा से क्या कहा, आइए प्रेमियों विश्वास करके इस भजन को गाना। और जब कभी संकट का बादल आए इस भजन की पहली 2 लाइन अपने मन में गुनगुना लेना, उस बादल को धकेल कर आपके घर के ऊपर से दूर कर देगा, ये मैं विश्वास। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवा, कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवारो श्याम, अब हाथ तू आके लगा जा हारे के सहारे, तेरा दास पुकारे आजा। बोलिए बोलिए, हारे के तेरा दास पुकारे आजा।
पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। कौन कौन बुलाएगा, किसको किसको विश्वास है कि आएगा, पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। कैसे होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। ए बाबा, अगर तेरे होते हार गया तो कल से तुझे कोई हारे का सहारा नहीं देगा बाबा। वो तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। ओ श्याम अब आके तू धीर बना जा, वो हम तो खड़े तेरे पास, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे पास, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। चाहते हो यहां से कुछ लेकर जाना, मैं आपके लिए अरदास करूंगा। तालियां बजाकर बोलो एक बार, तुम मत बजाओ। लो आ गया अब तो श्याम, मैं शरण तेरी। और शरण में कैसे आया जाने कहां कहां पर, भटका तेरा दीवाना, जाने कहां कहां पर, भटका तेरा दीवाना। डर ये तुम्हारा बाबा, मेरा आखिरी ठिकाना, डर ये तुम्हारा बाबा, मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पे किया भरोसा
उसने ही आंख फेरी जिस पे किया भरोसा, उसने ही आंख फेरी लो आ गया अब तो श्याम। मैं शरण तेरी लो आ गया अब तो श्याम। मैं शरण तेरी ये तालियां ये बजाकर कभी भी कुछ मांगा है तो ये दो लाइन जरूर गाना, वरना मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तालियां बजाकर है भरोसा तेरा अब सहारा तेरा सांवरे, तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सांवरे। बोलो तेरे सांवरे, गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार, आजा बाबा एक बार होके लीले पे सवार, ओ श्याम आके मोर छड़ी लहरा जा। ओ हम तो खड़े तेरे पास सुन ले करूं ने पुकार, हम तो खड़े तेरे पास सुन ले करूं ने पुकार, हरे के सहारे आजा। सेठ खाटू से वापस अपने गांव आ गया। लेकिन गांव आने के बाद तड़पने लगा। 10 दिन बाद ग्यारस थी, सेठ बाबा के पहुंच गया। अब की बार पहली सीढ़ी से नीचे चिल्लाते हुए आया, बाबा के मंदिर की पहली सीढ़ी से चिल्लाना शुरू किया, बाबा बता तू कौन है, तू बता कौन है, जब से तेरे दरबार से गया हूं बाबा मेरा जीना मुश्किल हो गया। रात को सोता हूं तो नींद नहीं आती, और दिन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ तेरे दरबार का नजारा घूमता है। तू बता कौन है बाबा। मैं बहुत बड़ा अभागा था बाबा जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। पिछली बार जब मैं आया तो आपसे बहुत कुछ मांगने आया था, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया बाबा। आज आपसे सिर्फ इतना ही कहने आया हूं बाबा कि मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा, क्योंकि बाबा बिन देखे तुझे नींद आती नहीं शाम नहीं, धोखे खाए बिना याद जाती नहीं नहीं, होठों पे है तेरा नाम रहता सुबह और शाम, होठों पे है तेरा नाम रहता सुबह और शाम, ओ शाम मेरे सिर पर हाथ फिरा जा, हारे के सहारे तेरा दास पुकारे।
आ जाओ, हारे के सहारे तेरा दास पुकारे आ जाओ, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आ जाओ। बोलो हारे के सहारे की।